गुड मॉर्निंग गाइस, हाय, कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो गए। तो सुबह हो चुका है सैटरडे का और ये मैं इसलिए अभी उड़ रहा हूँ बिकॉज पता नहीं क्यों आज ठंडी लग रही है। पुणे का मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल आपकी एक्स के जैसा। बाल कैसा लग रहा है, कोई नहीं। तो अभी सुबह का 9:30 बज रहा है, रेडी वेडी होते हैं फटाफट और कुछ खा करके निकलते हैं जिम के लिए, क्योंकि सैटरडे हो या संडे जिम जाना इंपॉर्टेंट है ना। गाइस, तो मैं जिम पहुंच चुका हूं और एक चीज़ हुआ, मैंने नोटिस किया कि मेरे साइकिल के जो हैंडल देख रहे हो इस पे मैंने अलग से बीमर लाइट और हॉर्न लगवाया था और वो गायब है। मतलब अपार्टमेंट की जो पार्किंग होता वहाँ से किसी ने गायब किया। एंड इट्स वेरी वेयर्ड यार, पुणे में ये सब चीज़ मैंने पहली बार मतलब नोटिस किया है। जिन्होंने भी किया यार गलत बात है, क्यों करते हैं ऐसे, उनको क्या काम आएगा, सेफ्टी फीचर है। खैर, जाते हैं वर्कआउट करते हैं, तो देख लो मेरा जिम भी। हाँ तो गाइज, हम लोग रेडी हो गए नहा करके। साइकिल को बंदर ही रखें क्योंकि सामान चोरी हो रही है। और सौरभ भैया, सौरभ भैया की शादी है, मतलब उनके भाई की शादी है, तो हम लोग पुणे जाएंगे कुछ शॉपिंग करने। सौरभ भैया का डेडली लुक, नो पहले तो कॉन्फ्लिक्स खाएंगे, हाई क्वालिटी ऑफ लिविंग। और दूसरा चीज़, हाँ, पुणे में लाइक भिंजेवाड़ी काइंड ऑफ पुणे में, मैं पुणे में रहता हूँ, हम पुणे में रहते हैं, पर हम एक्चुअली पुणे में नहीं रहते, हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग हिंजेवाड़ी में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े टावर है और कंपनीज हैं। तो हमें कुछ भी लेना रहता है, कुछ भी करना रहता है, तो वी हैव टू गो टू पुणे एटलीस्ट 2 walkers, जो कि यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है, और मेन पुणे तो मान के चलो 30-35 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग वहाँ जाएंगे, आई विल शो यू एक बिहारी और एक बंगाली कैसे घूमते हैं पुणे में। हाँ, तो फाइनली आई गॉट माई वायरलेस माइक एंड होपफुली अब थोड़ा कंटेंट और इम्प्रूव हो पाए। मैं फ्रेम में आ रहा हूँ ना, क्या मैं फ्रेम में आ रहा हूँ, ये सवाल हमेशा रहेगा। तो जैसे मैंने बताया, हम लोग पुणे जा रहे हैं और पुणे जाने में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा लगता है विद ट्रैफिक, और 1 घंटा से 45 मिनट विदाउट ट्रैफिक। तो पहले पेट्रोल पम्प में जाएंगे, थोड़ा पेट्रोल ले लेंगे, तो ये लाइफ है। एंड आई थिंक जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ जी रहे हैं वो जनरली मेन सिटी में नहीं रहते हैं, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में ही रहते हैं, क्योंकि कंपनीज थोड़ी आउटस्कर्ट्स में ही रहती हैं इन जनरल, बाकी शहरों में भी एक्सेप्ट फॉर फ्यू। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे, बहुत ट्रैफिक था, आइए आ गया ये। तो सर भाई, एक बारी उधर से आके ये दिखा देना, ठीक है, अभी मार्केट का बस कर रहे हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि ये सिर्फ मार्केट नहीं है, बस बाहर का पार्ट है, मेन मार्केट यहाँ से स्टार्ट होगा इस गली के अंदर आके, यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे। तो आई विल टॉक टू शॉप पीपल एंड आई विल टेल यू क्या क्या है पूरा मार्केट। तो मीडियम क्वालिटी वाला। और एक्सचेंज रिटर्न क्या क्या पॉलिसी है? एक्सचेंज बोले तो एक्सचेंज करके मिलेगा, पैसा रिफंड नहीं मिलेगा, इधर पैसा रिफंड नहीं होगा, पर एक्सचेंज कर देंगे भैया कभी भी, और संडे के अलावा हर शॉप पे, हर कोई भी चेंज करके दूंगा आपको। और सब एक ग्राफिक प्रिंट आता है, इसका प्रिंट का अपने कंपनी की तरफ से गारंटी आता है ना। और सबसे हटके मिलेगा अपने पास क्वालिटी मार्केट में, ठीक है। तो शॉपिंग हो गया हम लोगों का फैशन स्ट्रीट पुणे में। आई थिंक लड़कों के लिए अगर कहीं ऑप्शन है तो यहीं पर है, नहीं तो आप एफसी रोड घूमो, और भी जगह घूमो, मिलता कुछ नहीं है। भूख से हालत ख़राब है और फटाफट हम लोग जाएंगे, कैम का बर्गर खाएंगे और ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बाकी शॉप्स आप लोग खुद से आके एक्सप्लोर करो, हर दुकान में जाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ यू नो, और
बहुत लोग रिकॉर्ड करने से ऑफेंड होते हैं, तो उसको बुरा नहीं मानना क्योंकि उनकी अपनी प्रायोरिटी हो सकती है, हमारा काम है कंटेंट क्रिएट करना। हाँ, तो हम लोग कैम बर्गर में आए लंच करने के लिए। हम लोग आए थे 3:30 बजे, अभी 4:30 बजने वाला है। एक्चुअली लंच का टाइम नहीं है। जो भी टाइम है, तो प्रॉब्लम इसके यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है और ऐसा भीड़ है लग रहा है फ्री में मिल रहा है। एक्चुअली काफ़ी ऑथेंटिक प्लेस है, अगर आप वाइब देखो, थोड़ा सा ऊपर करना ना भाई, थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ वापस नीचे, तो आप बीटल्स, रोलिंग स्टोन, सारे जो पॉप कल्चर के जो 90s के बैंड्स हैं सब आपको दिखेंगे। और क्रेजी इन्वायरमेंट है, पर उससे भी क्रेजी भीड़ है। और हम लोग दोनों, मतलब ये तो बहुत इंट्रोवर्ट है, कुछ बोली सौरभ है तो देखते हैं अभी प्रोडक्ट आएगा, कुछ खाएंगे, एनर्जी आएगा तब सौरभ भाई बोलेंगे, क्योंकि सौरभ भाई का बोली बहुत कीमती है। तो लेट्स सी कब मिलता है फाइनली गाइस। भूखा इंसान, क्योंकि आप भी बर्गर खाए हैं, बताइए कैसा था। अरे जल्दी बताइए फाइनली कैसा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया, तो 2-2.5 घंटे के बाद जाके हमें बर्गर मिला, पर वर्थ इट था कि नहीं। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। तो यार बर्गर का प्राइस क्या था। जंबो बर्गर 147 प्राइस था। और जंबो मतलब कि कैसे बताऊँ, काफ़ी जंबो मतलब कैसे मतलब तन्मय भट्ट तन्मय भट्ट है ना, डोंट ऑफेंड। तो मतलब काफ़ी बड़ा था, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी खुद बर्गर बनाया है, उसका कॉस्ट प्राइस ही आराम से 110 रुपया जैसा होता होगा, तो वो 147 बेच रहा है, इट्स लाइक वेरी गुड। पर बहुत भीड़ है, 2 घंटे टाइम हो तभी जाओ, 2-2.5 घंटे टाइम हो तभी जाओ, अदरवाइज मैं बोलूँगा कि बाकी चीज़ें खा सकते हो, बर्गर इतना हेल्दी चीज़ तो है नहीं। बाकी जगह देखो यार, कैंप इज़ गुड यार। तो हमारे पास और बैंडविड्थ नहीं बच रहा है, हमने सोचा था आगा खान पैलेस वगैरह के बारे में, बट अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, तो मोस्टली अब घर ही निकलेंगे, शॉपिंग वॉपिंग हो गया। तो हम लोग बाटा में, क्योंकि सौरभ भाई को वहाँ का क्वालिटी पसंद नहीं है। अच्छा क्वालिटी ढूंढ रहे हैं गाइस, अगर प्रीमियम भाई करना है, मतलब थोड़े ब्रांड्स वगैरह, तो यहाँ पर सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल फैशन स्ट्रीट से कुछ ही मीटर दूर है, तो खरीदेंगे कुछ नहीं यहाँ से, पर दिखाएंगे आपको ज़रूर। और अपने माइक का नॉइस कैंसिलेशन चेक करेंगे, अभी मैंने रिकॉर्डिंग चेक किया, बहुत सारे में मैंने मतलब कुछ कुछ इशू डाल दिया था माइक में, क्योंकि माइक भी ऑन करना रहता, वो हुआ नहीं था। तो कोई नहीं, तुम लोग एडजस्ट करो, मुझे क्या, मैंने तो बना दिया जो बनाना था। घर की ओर चलते हैं। हाय गाइस, हम लोग आ गए वापस ऑलमोस्ट 1.5 घंटा के ड्राइव के बाद। व्हाट अ डे, ड्राइव करने का अपना फन है अगर रोड खाली हो तो, अदरवाइज पेन हो जाता है। एनीवे, तो वैसे तो छुट्टी है हमारी आज, पर अभी मुझे ट्रेन करना है अपने क्लाइंट्स को, तो हाँ हर एक मॉडल एक अच्छा एक्टर हो या ना हो, पर एक ट्रेनर जरूर होता है। तो ट्रेनिंग हो गया, अभी फटाफट चेंज वेंज करके आपको दिखाते हैं, जो भी हमने शॉपिंग किया है वो सब दिखा लेते हैं, उसके प्राइसेस बता लेते हैं, इसके लिए एक्साइटेड तो होंगे। और आई थिंक उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे, और वो लास्ट वीडियो भी हो सकता है, आई विल टेल यू। तो ये ओवरसाइज टी शर्ट देख लो पहले अच्छे से, ये 350 का है ओवरसाइज टी शर्ट, क्वालिटी इसकी थिक है तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो ओके, और फाइनली ग्लासेस लिया मैंने, देख लो बढ़िया से एक बारी, और ये वाला भी 130 का है। तो प्राइस 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, सेम गोस फॉर टी शर्ट ऑल्सो, वो डिपेंड करता है आपके बार्गेनिंग स्किल पे। तो अलविदा का टाइम आ गया गाइस, सौरभ भाई उधर किचन में काम कर रहे हैं, चावल बना रहे हैं। तो आपने देख लिया कि पूरा दिन सैटरडे कैसा गुजरता है। तो सैटरडे में जनरली 2 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो आउटिंग, जो तो आपने देख लिया, आप कहीं दूर जाओ चाहे करीब जाओ,
आप सुबह सुबह निकलते हो और सारी चीजें करके शाम तक वापस आते हो, फिर रेस्ट करते हो क्योंकि आप थक जाते हो, है ना। दूसरा होता है कि शाम में आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी का बर्थडे, किसी का एनिवर्सरी, किसी का ब्रेकअप, कुछ भी हो सकता है, या कभी कभी क्लब भी जाते हो, जो भी ठीक लगा। तो आज आपने सुबह का देख लिया, रात में बस यही फर्क होता है कि आप दिन भर लेट से उठ करके सब कुछ करते हो और शाम को 7 बजे निकलते हो और रात को 12 बजे वापस आते हो, जो पर्सनली मैं इतना पसंद नहीं करता। मैं ये पसंद करता हूँ कि दिन में अच्छे से घूमो, रात में आओ और आकर के बैठ के खाओ और फिर कुछ देखो और सो जाओ। सो दिस इज माई काइंड ऑफ टिपिकल डे, और ऐसे कुछ होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ। और ये सीरीज मैं शेयर कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता और कोई ये अभी तक शेयर किए हैं, और इट्स अ यूनिक कॉन्टेंट, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और अगर आप देख रहे हो तो आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, राइट? सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज। इसकी बात तो मानो यार, कर दो और शेयर करो और लाइक करो और मुझे बताओ कि क्या चेंजेस हो सकता है। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, अपने परिवार का, सबका सबका, सबको खुश रखो, खुद भी खुश रहो, अच्छी अच्छी चीजें करो, नई नई चीज सीखो, मुझे कुछ कुछ बताओ और मुझे सब्सक्राइब करो सबसे इम्पोर्टेंटली। और चलो बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।